वो क्या है ये इसका तफसील, उसका डिटेल हमें मिलने के बाद हम इसके ऊपर क्या कहना है कहेंगे। पार्टी एडिशन जब होती है, एडिशन पार्टी गठबंधन में और नया पार्टी आती है तो उसका लाभ तो होता ही है। शिवसेना और उनका चिन्ह धनुष्यबाण, ये उद्धव ठाकरे जी के साथ रहना चाहिए। ये ज़्यादातर मतदाता जो है उनकी यही वो कहेंगे। अभी मैंने भी अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मुद्दे निकल के बाहर आए मेरे पास आए, लेकिन हमें उनके डिटेल में क्या चर्चा हुई ये अभी हमें जानकारी नहीं है। जब पूरी जानकारी मिलेंगी तब हम इसके ऊपर हमारा बयान करेंगे। 2019 में जब आप लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, आखिरी दौर तक चर्चा हुई, उसके बाद अचानक बहुजन वंचित अघाड़ी ने आप लोगों से अलायंस नहीं करने का फैसला किया था और अकेले जाने का फैसला किया था, तब और अब में क्या बदलाव दिख रहे हैं, क्या मालूम नहीं। मैं हमारी तो बात हुई नहीं है उनसे, अब उन दोनों की जो बात हुई है वो क्या है ये इसका तफसील, उसका डिटेल हमें मिलने के बाद हम इसके ऊपर क्या कहना है कहेंगे। सर, प्रकाश अंबेडकर जी ने ये कहा है सर कि हमारी वैचारिक मतभेद शरद पवार जी से रही है, लंबी हमने राजनीतिक उस पर लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस गठबंधन के लिए उनकी रजामंदी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, इस पर क्या टिप्पणी? किनकी रजामंदी है? शरद पवार साहब की रजामंदी। नहीं, हमें तो हम ये चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी है, शेतकरी कामगार पार्टी भी हमारे साथ है, अन्य दल भी है हमारे साथ में, उसके साथ साथ अगर कुछ और लोग आना चाहते हैं तो उनका स्वागत ही हम करेंगे। सर, लेकिन पिछला जो चुनाव का दौर है, विधानसभा का, लोकसभा का, जिला परिषद के वोटिंग बैंक की बात करें, आप वही लेता है क्या प्रकाश अम्बेडकर का आना आघाड़ी के लिए वरदान साबित होता है, वोटिंग बैंक के? हाँ, कोई भी पार्टी एडिशन जब होती है, एडिशन पार्टी गठबंधन में और नया पार्टी आती है तो उसका लाभ तो होता ही है। नहीं, उनकी तब इसके ऊपर हमारा मत देना ठीक रहेगा। चुनाव आयोग ने जिस तरह से शिंदे को और उद्धव दोनों को अपने पे डॉक्यूमेंट्स किस तरह पेश करने के लिए सामने रखे, आपको क्या लगता है कि असली दावेदार कौन उसका है? क्योंकि असली दावेदार काफ़ी सालों से शिवसेना ही रही है, डॉक्यूमेंट मिलने के बाद किस तरह से फैसला आने की उम्मीद कर रहे हैं राज्य? ऐसा है कि अभी इन दिनों में न्याय इस देश में है या नहीं इसके ऊपर लोग सोच रहे हैं। अब शिवसेना और उनका चिन्ह धनुष्यबाण, ये उद्धव ठाकरे जी के साथ रहना चाहिए, ये ज़्यादातर मतदाता जो है उनकी यही वो कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अलग न्याय हुआ तो कह नहीं सकते क्या करेंगे। अभी निवडणूक आयोग कैसे निर्णय देंगे, इसका निर्णय फैक्ट्स पे होता है, तो मुझे लगता है ये पार्टी और वो चिन्ह उद्धव ठाकरे जी के पास ही रहेगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा हा अतिशय अभ्यासपूर्वक बराच विचार करून सभागृहाने चर्चा करून पारित केलेला कायदा आहे, आणि त्यावेळी सगळ्यांचाच विचार करण्यात आलेला होता, आणि त्यामुळं अंधश्रद्धेमुळं काही लोकांची दुकानं बंद होत असतील, तर मला वाटत नाही की आपण अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदाच रद्द करावा। अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा हा पूर्ण विचाराने महाराष्ट्राचे विधानसभेने आणि परिषदेने मान्य केलेला कायदा। सर, महाराष्ट्र के नासिक में आज जो है काफी सारे साधु संत इकट्ठा हुए, उन लोगों ने एक मत रखा कि खास तौर पर हिंदू धर्म सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन जो है कानून महाराष्ट्राचे विधानसभेने आणि परिषदेने मान्य केलेला कायदा। सर, महाराष्ट्र के नासिक में आज जो है काफी सारे साधु संत इकट्ठा हुए, उन लोगों ने एक मत रखा कि खास तौर पर हिंदू धर्म सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन जो है कानून बना है,
और बाकी जो है दूसरे धर्म के लोग जो आडंबर करते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इस नियम को, इस अधिनियम को खत्म कर देना चाहिए, ऐसी मांग। अंधश्रद्धा निर्मूलन दूसरे कोई भी धर्म में होगा, अंधश्रद्धा कुछ धर्म में रख के कुछ अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोसीजर्स लोग करते हैं, तो उसके खिलाफ वो अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा है। हिंदुओं के खिलाफ नहीं है वो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी समाज हो, धर्म हो, उसमें अगर अंधश्रद्धा होती है तो उनके खिलाफ ये एक्ट है। तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि हमारे धर्म के खिलाफ अंधश्रद्धा है। लेकिन साधु संतों का कहना है खासतौर पर सनातन, वो गलत है ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रवादी ने, शिवसेना,